नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको प्रयागराज रोपवे की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे कि प्रयागराज में रोपवे कहां से कहां तक बनेगा, बताएंगे आपको परियोजना की लागत, विशेषताएं तथा जानेंगे कि कब तक मिलेगा जनता को इसका लाभ। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज भारत के सबसे पुराने नगरों में से एक है। यह प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग अथवा तीर्थराज के नाम से जाना जाता है और इसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। इस नगर को संगम नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह तीन नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयागराज में इस धरती पर सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इन्हीं महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ 2025 के पहले संगम क्षेत्र में रोपवे का निर्माण करने जा रही है, जिस पर अब कार्य ने गति पकड़ ली है। आइए अब हम आपको प्रयागराज रोपवे परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के पहले रोपवे बनेगा। इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। संगम आने वाले पर्यटकों को इसके माध्यम से इस बार रमणीय और अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। बता दें कि दिल्ली से आई टीम ने रोपवे की फिजिबिलिटी टेस्ट किया था, जिसमें 4 किलोमीटर से अधिक लंबा रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले त्रिवेणी बांध स्थित शंकर विमान मंडपम से अरैल तक इसे बनाया जाएगा। महाकुंभ से पहले इसको चालू करने की योजना है। इस कार्य को करने के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को चुना गया है। परियोजना पर सर्वे तथा DPR बनाया जा चुका है। रोपवे का निर्माण होने से संगम क्षेत्र से अरैल तक की यात्रा मात्र 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। वर्तमान समय में संगम क्षेत्र से नैनी की ओर जाने में कम से कम आधा घंटे से अधिक का समय लगता है। प्रयागराज रोपवे परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इसके लिए झूंसी से अरैल तक के मध्य में 3 रोपवे स्टेशन बनाए जाएंगे और इस योजना पर लगभग 251 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पर्यटन विभाग की ओर से इसका खाका प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार झूसी में उल्टा किला, अरैल में त्रिवेणी पुष्प परिसर के अतिरिक्त सोमेश्वर महादेव के पास रोपवे स्टेशन बनाए जाएंगे, परंतु सबसे पहले त्रिवेणी बांध स्थित शंकर विमान मंडपम से अरैल तक इसे बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग की इस योजना के अंतर्गत केबल कार से एक बार में 20 से 25 यात्री संगम दर्शन कर सकेंगे। इन स्टेशन से मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर पर्यटक संगम दर्शन कर सकेंगे। PPP मॉडल पर तैयार होने वाले इस योजना के संचालन के लिए चुनिंदा और अनुभवी रोपवे संचालक कंपनियों से संपर्क किया गया है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों की माने तो इसे CM योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से इसका खाका पूरा तैयार किया गया है। इस बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु अब केबल कार के माध्यम से संगम, अक्षयवट और सरस्वती कूप सहित माघ मेला एवं कुंभ मेले का दर्शन कर सकेंगे। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 251 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज रोपवे का अति शीघ्र होगा टेंडर प्रक्रिया। शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प तक संगम क्षेत्र में रोपवे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात निर्माण आरंभ हो जाएगा। संगम क्षेत्र में 2200 मीटर रोपवे लंबाई होगी। इसके लिए 251 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने और कार्य आवंटित होने के 18 महीने में रोपवे का निर्माण पूरा किया जाना है। निर्माण करने वाली एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड अर्थात NHLML की ओर से इसके टेंडर निकाला जा चुका है। बता दें कि राजसी शंकर विमान मंडपम, जिसे शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम के उत्तर में स्थित है। दक्षिण भारतीय शैली में बने 4 मंजिल वाले 130 फीट ऊंचे मंदिर में कुमारिल भट्ट, जगतगुरु आदि शंकराचार्य, कामाक्षी देवी, तिरुपति बालाजी और सहस्त्र योग लिंग की मूर्तियां हैं, जबकि त्रिवेणी पुष्प,
एक सुरम्य पर्यटक आकर्षण है जो प्रयागराज के नैनी में अरैल में यमुना के तट पर स्थित है। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले त्रिवेणी पुष्प में त्रिवेणी संगम से दक्षिण पूर्व दिशा में एक शानदार टावर वास्तुकला दिखाई देती है जो 12 छोटे लॉन से घिरा हुआ है। त्रिवेणी पुष्प एक दर्शनीय स्थल है और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी, जहां कुंभ के समयावधि में लगभग सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल यात्री एवं तीर्थयात्री आते हैं। बता दें कि रोपवे परियोजना केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है और पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में कार्य करेगी और NHLML को देश में योजना के अंतर्गत रोपवे परियोजनाएं विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। विशेष रूप से यह उत्तर प्रदेश में पर्वतमाला योजना के अंतर्गत विकसित होने वाली दूसरी रोपवे परियोजना होगी। पहली है वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन और गोदोलिया चौक के मध्य 3.8 किलोमीटर लंबा रोपवे जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। 645 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी रोपवे परियोजना पूरी करने का समय सीमा 18 महीने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 24 मार्च को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी थी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्रयागराज रोपवे की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि NHLML ने इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र सुरक्षित करने के लिए सेना, सिंचाई विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र भेज भी दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रोपवे की सवारी सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एक निविदा जारी की है। दोनों स्थान को जोड़ने के लिए 2.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण हाइब्रिड वार्षिकी मोड अर्थात हम के अंतर्गत 251 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। योजना के अनुसार रोपवे राजसी शंकर विमान मंडपम के निकट से आरंभ होगा, जो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम के निकट स्थित है। दूसरी ओर रोपवे संगम नगरी के नैनी क्षेत्र के अरैल में यमुना के तट पर स्थित सुरम्य पर्यटक आकर्षण त्रिवेणी पुष्प के पास से समाप्त होगा। जानकारी हेतु बता दें कि बीते कुंभ में 113 देशों के श्रद्धालु यहां पर आए थे और मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महत्वपूर्ण है कि महाकुंभ का धार्मिक आयोजन, जिसे कि हम महाकुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं, इनकी मान्यता बहुत ही अधिक है और महाकुंभ मेले के अवसर पर प्रत्येक सनातनी प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान करना चाहता है तथा महाकुंभ आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृष्टि सदैव बनी रहती है और वे इसके भव्य व सुविधाजनक आयोजन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण से योगी राज में यह धार्मिक आयोजन प्रत्येक वर्ष अपने विराट व भव्य स्वरूप में सभी अभिलाषियों की आस्था का निर्वहन करने में सक्षम होता है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया और लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है, परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई प्रयागराज रोपवे परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन व पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।